हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इजीएस्ट इंग्लिश लर्निंग सोर्स हिंग खोज और मैं हूँ इशिता। गाइस, आपने मेरा वो वीडियो देखा है जिसमें मैंने बॉडी साउंड्स बताए हैं। सो आज का वीडियो थोड़ा उसी से रिलेटेड है, बट हम साउंड्स नहीं देखकर आज जानने वाले हैं बॉडी मूवमेंट। सो जो भी हम मूवमेंट करते हैं अपने बॉडी से, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या उस वर्ड को हम क्या कहते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही वर्ड्स बताने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हेलो। सो राइट नाउ आई एम वेविंग माय हैंड। अब देखते हैं और भी कैसे वर्ड्स हैं। लेट्स स्टार्ट। और इस वीडियो के एंड में आपके लिए ट्रिविया भी है, सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो लेसन। सबसे पहला वर्ड मैं आपको बताऊं, शेक। सो शेक, एक शेक होता है फूड आइटम, रिमेंबर। तो ये वो वाला शेक नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। अगर मैं अपना कोई फेवरेट गाना सुनूं तो मुझे सुनने में बड़ा मजा आता है और ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी में एक मूवमेंट आ जाता है। सो राइट नाउ आई एम शेकिंग माय बॉडी। या फिर ऐसे ही मैं अगर सर ऐसे ऐसे करूं तो दिस इज ऑल्सो शेकिंग माय हेड। अब एक सेंटेंस बना के देखते हैं, आई शेक माय हेड व्हेन आई एंजॉय द म्यूजिक। जब भी मुझे म्यूजिक बहुत पसंद आता है तो मैं अपना सर ऐसे हिलाती हूँ, सो दिस इज शेकिंग। बट सर हिलाने की बात हुई है तो एक होता है हम यस कहते हैं और एक होता है हम नो कहते हैं, सो दिस इज नॉडिंग। यहाँ आप नॉड कर रहे हैं ना कि शेक। ही सेड यस बाय नॉडिंग हिज हेड। अगर मान लीजिए आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, डू यू नो मैम वेयर आई लिव, और मुझे कहना है यस yes. क्या आप जानते हैं मैम कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो मैंने कहा यस। सो राइट नाउ आई एम नॉडिंग माई हेड, शी सेड यस बाय नॉडिंग हर हेड। उन्होंने अपना सर हिलाते हुए यस yes कहा है। देन देयर इज अ वर्ड चू। नाउ चू का मतलब है क्या, चबाना। सो जब भी हम खाना खाते हैं तो प्रॉपरली चबाते हैं उसे, लाइक दिस। सो दिस इज चूइंग। Chew your food properly. खाने को अच्छी तरह से चबाना। आपने मेरे से कोई क्वेश्चन किया और उसका आप कन्फर्मेशन मांग रहे हैं मुझसे, और मैंने कहा yes, I think so. तो यहाँ मैंने अपने कंधे को थोड़ा सा ऊपर किया है, I think so. ऐसे बच्चे अक्सर करते हैं, अगर उन्हें कुछ पता नहीं होता ना तो वो जवाब ऐसे ही देंगे, मुझे क्या पता। सो ये कंधे को ऊपर लेकर आना या इसमें एक मूवमेंट करना, ये है श्रग। आई थिंक सो सेड इशिता विद अ श्रग। इशिता ने श्रग करते हुए कहा आई थिंक सो। अब मान लीजिए मेरे ये हाथ में बहुत पेन है, डॉक्टर के पास जाती हूँ तो डॉक्टर क्या कहेंगे, वो कहेंगे अपने हाथ को मोड़ कर दिखाइए, अगर पेन है ज़्यादा तो मुझे बताइए। सो मैं उनको क्या बोलूँगी, मोड़ना। तो डॉक्टर ने मुझे क्या कहा, मोड़ने के लिए। सो दिस मोड़ना इज बेंड। बेंड योर हैंड एंड सी इफ देयर इज स्टिल सम पेन, डॉक्टर कहेंगे मुझे, और मैं उनको आंसर करूंगी, व्हेन आई बेंड माय हैंड द पेन इज मोर। जब मैं अपना हाथ मोड़ रही हूँ तो मुझे ज्यादा पेन हो रहा है। अब एक बॉडी मूवमेंट है जब हम झुक के कुछ ऐसे उठाते हैं। सो अक्सर जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें अपना सूटकेस उठाना पड़ता है। अगर मैं किसी से मदद मांगूं मेरा सूटकेस उठाने के लिए तो कैसे मांगूंगी इंग्लिश में, मैं कहूंगी कैन यू लिफ्ट द सूटकेस फॉर मी प्लीज, क्या आप मेरा सूटकेस उठा सकते हैं प्लीज। अभी मैंने आपको बेंड बताया था, बट अगर मैं कलाई को ऐसे मोड़ूं इस तरह से, सो दिस इज फ्लेक्स। एक होता है ऐसे मुड़ना, दैट इज बेंड, बट ऐसे ऐसे करना, दिस इज फ्लेक्स। फ्लेक्स योर आर्म। तो मैं अभी अपनी कलाई को मोड़ रही हूँ। एक मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया वेविंग, सो आई होप इट इज क्लियर। जब आप हाथ से कुछ इशारा करते हैं, मे बी हाई हेलो, तो दिस इज वेविंग योर हैंड। या फिर आप बाय भी कहते हैं तो ऐसे ही वेव करके कहते हैं, सो दिस इज ऑल्सो वेविंग। बचपन में एक पनिशमेंट मिलती थी अगर हम ज़्यादा बात करते थे ना क्लासरूम में, तो मैम कहती थी बाहर जाओ और नील डाउन हो जाओ। तो यहाँ नील इज बॉडी मूवमेंट। वहाँ आप क्या कर रहे हैं, वहाँ आप घुटने टेक रहे हैं। सो नीचे घुटनों पर ऐसे बैठते हैं ना, नील डाउन करते हैं, सो दैट इज नील, घुटने टेकना। और अक्सर हम प्रेयर करते टाइम भी नील डाउन करते हैं, सो द चिल्ड्रन नील डाउन ड्यूरिंग प्रेयर। प्रेयर के वक्त या प्रार्थना के वक्त बच्चों ने घुटने टेके। चलते चलते किसी चीज पर अगर पाँव रखते हम
तो यहाँ भी एक बॉडी मूवमेंट है, पांव रख दिया हमने, सो इसको कहेंगे स्टेप। अब मान लीजिए कोई एक छोटा सा बच्चा है, मैं उसको लेकर पार्क गई, तो उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं है कि कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, और थोड़ा सा डर्टी पार्क है, तो मैं उनको इंग्लिश में बोलूँगी, वॉक केयरफुली, डोंट स्टेप ऑन समथिंग। आराम से केयरफुली वॉक करना, किसी चीज़ पर पाँव ना पड़ जाए। ठंड में जब बहुत ज़ोरों की ठंडी लगती है, रज़ाई लेने के बाद भी ठंडी लगती है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, अपनी पूरी शरीर को सिकुड़ लेते हैं, तो इस सिकुड़ना को हम कर्ल कहते हैं। आई वॉन्ट टू कर्ल एंड गो टू स्लीप, ऐसा ठंड में हमेशा मन करता है कि हम रज़ाई के अंदर ऐसे सिकुड़ के बैठे रहें, सो सिकुड़ना इज कर्ल। बचपन में मेरी एक आदत थी, मैं अपनी पूरी उंगलियों पे चलती थी, सो कुछ लोग टो पे भी चलते हैं, स्पेशली बैलरीनाज, तो वहाँ आप टिप टो कर रहे हैं, यानी धीरे धीरे चल रहे हैं चुप चुप के। अक्सर घर में कोई सो रहा होता है ना, तो हम वैसे ही चलते हैं, और बच्चे अक्सर विंडो में झांकने के लिए या फिर बालकनी से झांकने के लिए रेलिंग्स पर ऐसे उछल के देखते हैं, सो दैट इज टिप टो, टिप टो थ्रू द विंडो। सो आई होप गाइज ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द ट्रिविया। आपको पता है हिंदी में हम कहते थे ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो यहाँ पे च च साउंड बहुत आ रहा है। यहाँ हम हिंदी में इसे क्या कहते हैं आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट में बताइए मुझे, मैं आपको इंग्लिश बताती हूँ। ऑब्वियसली मैं आपसे भी तो कुछ सीखूंगी गाइज, देखती हूँ आपको हिंदी वाले वर्ड पता है या नहीं। इंग्लिश में इसे हम टंग ट्विस्टर्स कहते हैं, सो एक टंग ट्विस्टर मैं आपको बताती हूँ। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, सो ये एक टंग ट्विस्टर्स है जहाँ पे श और स का साउंड देखा जा रहा है। अक्सर इंटरव्यूज में लोग साउंड चेक करने के लिए या प्रोनंसिएशन चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। इन इंग्लिश दे आर नोन एज टंग ट्विस्टर्स। आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो एंड द टंग ट्विस्टर्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड and do like, share and subscribe our channel. Till then, take care and happy learning.